हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। याद रखिएगा, इनफैक्ट 13th अप्रैल ऑनवर्ड, या उससे पहले शायद अगर इन्फी के नंबर्स आ गए, लेकिन 13th को मेरे ख्याल में TCS के नतीजे आने वाले हैं, उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक हफ्ता और फिर नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस को रिविजिट करते हैं। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही बेहद कमजोर हैं और फाइनेंस अब 57-46 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत, आपने 56-75 के लिए शॉर्ट का कॉल दिया, लेकिन कल मेरे ख्याल में आपने 5,800 का जो पुट दिलवाया था उसका टारगेट अच्छा खासा अचीव हो चुका है। अब 195 आपका पहला टारगेट था, 191 पर मौजूदा भाव है। क्या इस ट्रेड को आप कैरी करेंगे? वो 225 के लेवल्स भी आ सकते हैं क्या इस ऑप्शन में? जी हर्षदा जी, बहुत हाई कन्विक्शन के साथ कैरी करूंगा, क्योंकि मैं इस रैली के लिए वेट कर रहा था बजाज फाइनेंस पे कि ये रैली मिल जाए और मैं शॉर्ट ट्रेड ढूंढ सकूं। वो बिल्कुल रैली आ चुकी है, तो आप बने रहिए, राइट द विनर्स। और दूसरा एक अपडेट देना चाहूंगा, आज सुबह जो मैंने AU बैंक का शॉर्ट दिया था 567 के नीचे, ये जैसे ही 567 ब्रेक कर दिया, ये शायद ऑलमोस्ट 3-4% डाउन और डे लो पे 552 की करीब जा चुका है। मुझे लग रहा है ये भी एक दर्शकों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, तो शायद कल से जो भी शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो सारे ही ऑलमोस्ट टारगेट के करीब जा चुके हैं। तो क्लियरली वो टारगेट अचीव होते हुए बहुत ही बढ़िया कॉल दरअसल प्रशांत सावंत की इस समय आ रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 545 के लिए अभी भी होल्ड किया जा सकता है, और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना है। कल मुझे